हाउ टू मेक द परफेक्ट गाजर का हलवा। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारा शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा कॉमेंट करें। तो बस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट माय रेसिपी। So first of all, I have taken here grated carrot and this is about 2 big cup of grated carrot. तो एकदम अच्छे से वॉश कर लीजिएगा कैरेट को, बहुत अच्छे छील लीजिएगा और फिर ग्रेट कीजिएगा। एंड नाउ वी हैव टू टेक अ प्योर घी। तो हमने ये प्योर घी लेना है एक पैन में और जितनी भी कैरेट है हमारी वो सारी डाल देनी है इसमें। एंड वी हैव टू कुक फॉर 5 मिनट। तो हमें 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे कुक करना है ताकि जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसका दिख रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैरेट को पकाते हैं तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ता है। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा ढक कर रख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट। सो आफ्टर 5 मिनट ऑफ कुकिंग लेट्स चेक इट। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया है कैरेट का, तो इसका थोड़ा सा पानी भी निकलने लगा है। तो लेट्स ऐड सम मिल्क। तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं। तो दिस इज़ अबाउट 2 कप ऑफ मिल्क। तो हमें थोड़ा सा गुनगुना जो मिल्क होता है वो हमें ऐड करना है, एकदम ठंडा चिल्ड मिल्क मत ऐड कीजिएगा। तो इसे हम मिला देते हैं थोड़ी देर, बहुत ही स्लाइटली मिलाइएगा। बहुत ज़्यादा हलवा हम बना रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्सअप मत कीजिएगा, स्लाइटली मिलाते हैं। इसे फिर से ढक कर रख देते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो ये देखिए अभी ये बहुत अच्छे से पकने लगी है गाजर। तो जो मिल्क का क्या होना चाहिए, जो क्रीमीनेस है वो काफ़ी आ जाता है जो हलवा बनाते हैं हम उसमें। तो गाजर अभी हमें चेक करना है कि गाजर अच्छे से पक गई है या नहीं। तो गाजर थोड़ी सी भी हमारी प्रेस होने लगे तो बस अब हमें अभी नेक्स्ट स्टेप ले लेना है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इसे प्रेस करके थोड़ा सा प्रेस होने लगी, दैट मीन्स अच्छे से ये पकना स्टार्ट हो गई है। तो बस अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। तो मैं इसमें जो शुगर ऐड कर रही हूँ वो है करीब 250 ग्राम। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। बस अब हम इसे मिला देते हैं। तो हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है, तो शुगर ऐड करने के बाद इसका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा और छोड़ने लगेगा, लाइक जो शुगर है वो पानी में कन्वर्ट होने लगेगी। लेकिन उससे क्या होगा, जो गाजर है उसका मिठास तो बढ़ती है, प्लस जो गाजर का जो एक्चुअल कलर है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एक रेडनेस है वो काफ़ी अच्छे से आने लगेगी। और गाजर का एक हलवा ऐसी चीज़ है जो कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छा स्वीट बन के रेडी होता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये ग्रेटेड खोबा। तो ये ग्रेटेड खोबा ऐड कर देते हैं। तो खोबा जो मैंने इसमें ऐड किया है वो है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम हम ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास खोबा अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अपार्ट में मिल्क, जो मिल्क पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हो। और एक बार में सारा खोबा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा डालिए और फिर मिला दीजिए, थोड़ा फिर डालिए फिर थोड़ा सा मिक्सअप कर देना है हमें। तो बस इसे हम थोड़ा सा और होने देते हैं ताकि जो पूरा पानी रखा हुआ है इसने वो कम्प्लीटली सोक कर ले। तो इसे ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के कम्प्लीटली इसे मिला लिया है और इसमें जो पानी है वो थोड़ा सोखने का भी वेट करते हैं। और जो भी हलवा आप बनाएं वो एकदम स्लो फ्लेम में बनाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जो उसका जो इतना अच्छा फ्लेवर आता है वो देगा वो। और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर से इसलिए क्योंकि उसका जो बहुत ही अच्छी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं, एकदम स्लाइटली मिक्स करते हैं। नाउ द टाइम इज टू ऐड चॉप्ड पिस्ता एंड काजू। आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता काजू ऐड किया हुआ है। तो इसे थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं एंड हमारा गाजर का हलवा इज कम्प्लीटली डन। नाउ द टाइम ऑफ प्लेटेड अप। तो ये थोड़ा सा मिक्स कर लिया मैंने एंड लेट्स प्लेटेड अप गाजर का हलवा। इतनी प्यारी खुशबू दे रहा है, इतनी अच्छी मिठास वाली खुशबू आ रही है, लग रहा है वाव। बस मुझे जल्दी से मिल जाए ना गाजर का हलवा, इज बेगिंग मी टू ईट इट। सो लेट्स जस्ट गार्निश विथ सम नट्स।
तो यहाँ पे मैंने नट्स से इसे गार्निश कर लिया है एंड द परफेक्ट गाजर का हलवा डन। तो था ना सुपर इजी एंड सुपर सिंपल गाजर का हलवा। Bye-bye.